Our learning is career guidance portal of india one-stop destination for everything related to education and career decisions our services career counseling admission process study materials test series and exam update are our materials rapid revision materials हेलो गाइस वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग तो गाइस हमने लास्ट जो है सिक्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो और सेकंड जो हमारा टॉपिक था टिश्यू सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ठीक है तो एनिमल्स में क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसमें है हमारा टिश्यू ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो टिश्यू से मिलकर ही बना है टिश्यू से सेल्स बने सेल्स से सारे ऑर्गेन्स बने तो इसीलिए हम यहाँ पहले टिश्यू की डेफिनेशन जान लेते हैं कि ये क्या होता है तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसको आप भी नोट कर लीजिएगा अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटर सेलुलर सब्सटेंस विच परफॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स ठीक है ग्रुप ऑफ़ सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है कभी कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस चीज़ में कि टिश्यू से मिलकर सेल्स बनते हैं बट नहीं सेल्स से मिलकर टिश्यू बनते हैं ओके okay? ये चीज़ क्लियर रखिएगा तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ठीक है सिमिलर टाइप के सेल्स होंगे बहुत टाइप के सेल्स होते हैं अलग अलग तो और इंटर सेलोर सब्सेंट मतलब जो भी हमारी बॉडी के इंटरसेलर सब्सटेंस हैं जो पाए जाते हैं उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसके लिए किससे मिलकर बनाना होता है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया ओके अब हम आते हैं कि टिश्यू के अंदर कितने टाइप्स की चीज़ें होती है कैसे कैसे टिश्यू वर्क करता है क्या क्या होता है तो पहला हम जानते हैं यहाँ पे सिंपल एपिथीलियम टिश्यू मैंने यहाँ टिश्यू नहीं लिखा हुआ है बट ये टिश्यू के ही पार्ट्स है फं फंक्शंस में बताऊंगी इसी टिश्यू के पार्ट के अंदर तो पहला हमारा सिंपल एपिथीलियम सिंपल एपिथीलियम इज़ अ सिंगल लेयर टिश्यू ठीक है मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी क्योंकि तो मैंने लाइट कलर से सिल्का में भी आपको विजिबल हो रहा हो नहीं हो रहा हो तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है तो ये ये पहला क्या हमारा सिंपल एपिथीलियम तो ये क्या हमारा सिंगल लेयर टिश्यू है ठीक है जो इसका लेयर होता है वो सिंगल लेयर होता है आउटर मोस्ट होता है ये ठीक है अब हम सेकेंड आते हैं कंपाउंड एपिथीलियम टिश्यू तो कंपाउंड एपिथेलियम से क्या है कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा होंगे ठीक है तभी वो कंपाउंड बना तो वन और मोर देन वन लाइक वन आप कह सकते हैं और टू ये क्या है हमारा सिंगल लेयर्ड ठीक है तो दो से ज़्यादा जो टिश्यू पाए जाएंगे वो हमारा कंपाउंड एपिथिलियम टिश्यू अब हम आते हैं थर्ड एरियोलर टिश्यू एरियोलर टिश्यू से हम समझ रहे हैं कि एरियोलर है मतलब एयर एयर मतलब किसी भी चीज़ में अगर एयर हो जाता है तो वो क्या होता है लूज़ हो जाता है ठीक है उसमें टाइटनेस नहीं रहती है तो ठीक उसी तरह एरियोलर टिश्यू मतलब लूज़ होगा ठीक है स्किन का सबसे स्किन का ये पार्ट होगा मतलब किसी भी स्किन क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम स्किन की स्किन से बात करेंगे तो स्किन आउटर मोस्ट लेयर होती है ये थर्ड हमारा हो गया ये हमारा कंपाउंड एपिथीलियम एरियोलर टिश्यू अब हमारा न्यूरोग्लिया न्यूरोग्लिया मतलब न्यूरॉन्स तो ये हमारे में पाए जाएंगे तो इसका क्या फंक्शन होता है ये हमारा बाइंड करता है जो भी न्यूरॉन्स होते हैं जो सी एन एस पीएनएस अभी मैं पढ़ाऊंगी आपने पहले पढ़ रखा होगा तो सेंट्रल नर्वस टिश्यू सिस्टम जो होता है उसको ये बाइंड करने का काम करता है ठीक है जितने भी न्यूरॉन्स टिश्यू होते हैं न्यूरोन न्यूरल सिस्टम के जो भी टिश्यूज पाए जाते हैं उसको ये न्यूरोग्लिया जो है टिश्यू सिस्टम ये बाइंड करने का काम करता है एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा फंक्शन है मतलब पर्टिकुलर जो इंटर सेलुर सब्सटेंस है उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है उससे रिलेटेड ही उसका नाम होगा ठीक है तो यहाँ न्यूरोग्लिया है मतलब न्यूरोन से रिलेटेड है ऐसे आप इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं अब हमारा आता है एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है फैट फैटी सब्सटेंस तो जो फैटी हमारे बॉडी के अंदर जो फ़ैटी चीज़ें पाई जाती हैं उसके अंदर कौन सा टिश्यू रोल निभाता है उसका नाम होता है एडिपोज टिश्यू ये जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं या फिर फैटी टिश्यू होते हैं उसको एडिपोज करने का काम करता है मिक्स करने का काम करता है ठीक है अब हमारा आ गया मालपीगन यहाँ मैं लिख देती हूँ फैटी फैटी बस फैटी से आप समझ लीजिएगा कि जितने भी फैटी एसिड्स होंगे फैटी टिश्यूज़ होंगे अब हमारा आ गया मालपीगियन ट्यूब्यूल्स मालप्यूगियन इज़ अ एक्सक्रीशन ट्यूबुल्स मतलब जो कॉकरोच होता है उसमें जो एक्सक्रीशन के लिए पर्टिकुलर पार्ट part पाया जाता है पर्टिकुलर जो ऑर्गेंस होता है उसका नाम क्या होता है मालपीगियन ट्यूबुल तो सबसे पहले जब हम किंगडम की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जो एक्सक्रीशन पार्ट पाया गया था वो कॉकरोच में ही पाया जाता था उसमें मिड गट एंड हिंड गट पाया जाता है गट मतलब होता है कि एक तरह से आप उसको हिंदी में ट्यूब कह सकते हैं गट को तो माल माल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं ट्यूब्यूल्स इसलिए कहा गया क्योंकि दो टाइप के ट्यूब पाए गए पहला हो गया मिडगट दूसरा हो गया हिंडगट और ये कॉकरोच में एक्सक्रीशन का काम करता है ये टिश्यू अब हम नेक्स्ट हम आते हैं हमारा यूरिकोटेलिक यूरिको मतलब नाइट्रोजन तो जो भी एनिमल्स होते हैं उसमें जो एक्सक्रीशन होता है यूरिया का वो नाइट्रोजिनस जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए जो पार्ट पाया जाता है जो टिश्यू होता है उसका क्या नाम होता है यूरिकोटेलिक टिश्यू उसके ज़रिए ही जो नाइट्रोजन जो पदार्थ होते हैं जो उसमें पार्ट पाए जाते हैं उसका एक्सक्रीशन जो होता है यूरिकोटेलिक से होता है तो इसका फंक्शन ये हो गया अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइट जंक्शन टाइट जंक्शन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं टिश्यूज़ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं तो टाइट जंक्शन से मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी एक्सक्रीशन <coughs> हो रहा है या फिर वेस्ट मतलब कुछ भी वेस्ट ना हो जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट part है उसमें कुछ मटेरियल्स पाए जा रहे हैं और अगर वहाँ पे कोई भी तरह का सेल्स मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा सिक्रीट होना शुरू कर देगा और वो अदर ऑर्गेनिज्म के अदर पार्ट्स में भी जा, जाता जाएगा और यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर पार्ट पाया अगर वो दूसरे में चला गया तो फिर वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ना उसका फिर फंक्शन खराब हो जाएगा तो ये जो टाइट जंक्शन होता है वो इसी का काम करता है वो सारे पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बना देता है जिससे सिक्रीशन इधर से उधर ना जाए वो पर्टिकुलर हमारा जो बॉडी का फंक्शन है जो टिश्यू का फंक्शन है वो होता है ठीक है अब हम यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको फंक्शंस बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो अब यहाँ पे हम आते हैं एडेरिंग जंक्शन एडेरिंग जंक्शन का क्या काम होता है एडेरिंग मतलब होता है टाइटली सीमेंटली जो भी नेबर्स हो गए ना मतलब नेबर्स से मतलब यहाँ हो रहा है जो भी पड़ोसी हो गए पड़ोसी ऑर्गेन ऑर्गेनल्स जो हो गए पड़ोसी जो टिश्यूज हो गए वहाँ पे सीमेंटिंग का काम करता है ताकि एक वन बाय वन वो जॉइंट रहे जैसे एक मकान होता है ना होम जो घर बनता है उसमें सीमेंट क्यों किया जाता है ताकि जो स्क्वायर सिस्टम हो वन बाय वन एक दूसरे से अटैच्ड हो एकदम टाइटली ठीक है तो इसीलिए अडेरिंग जंक्शन का यही काम होता है सीमेंटिंग लेयर बना देता है अपने नेबरिंग ऑर्गेंस पे और, और टिश्यू पे ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा हो गया गैप जंक्शन गैप जंक्शन का क्या फंक्शन होता है <coughs> टिश्यू का इट इज अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन रैपिड ट्रांसफॉर्म करता है किसका आयंस का मिनरल्स का वॉटर्स का सब में तो ये गैप इसीलिए बनाता है ताकि इसके अंदर जो भी मिनरल्स आए वो एक पर्टिकुलर टाइम पे गैप के टाइम पे वो सारे मिनरल्स का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सर्कुलेशन होने लगे ठीक है तो ये हमारा फंक्शन हो गया ये टिश्यू के अंदर आता है ये सारे पार्ट जो होंगे हो ना तो ये हमारे बॉडी के अंदर ही पाया जाता है तो पर्टिकुलर पार्ट part का पर्टिकुलर फंक्शन होता है ये टिश्यू हो गया हमारे अब हम नेक्स्ट आते हैं ये कंप्लीट हो गया अब हम आते हैं एनिमल टिश्यू पे एनिमल टिश्यू जो है वो हमारा चार टाइप का पाया जाता है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पहला हमारा क्या है एपिथीलियल सेकेंड हमारा है कनेक्टिव थर्ड वन इज़ मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज़ न्यूरल ओके तो यहाँ चार टाइप्स के पाए जाते हैं इन चारों का नाम याद कर लीजिएगा दिस इज अ एनिमल टिश्यू टाइप अब हम पहला जो आते हैं यहाँ पे एपिथिलियल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एपिथिलियल लेयर लास्ट वीडियो में इसके एनिमल टिश्यू के अंदर दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं ये जो है ना ये इसका पार्ट है ठीक है एंड यहाँ मेन जो टाइप्स है वो हमारा दो है तीन है सिंपल कंपाउंड एंड कनेक्टिव टिश्यू ठीक है तो सिंपल क्या होता है सिंपल इज सिंगल लेयर्ड होता है इसमें बॉडी कैविटी ये कहाँ पाया जाता है बॉडी कैविटी के अंदर पाया जाता है डक्ट्स में पाए जाते हैं और ट्यूब्स में पाए जाते हैं क्या सिंपल एनिमल टिश्यू सिंपल एनिमल टिश्यू हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ सिंगल लेयर्ड होता है सिंपल है तो सिंगल लेयर होगा ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं होगा उसके अंदर और वो पाया कहाँ जाता है सिंगल लेयर में हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी की कैविटी होती है जो स्पेस होता है वहां पे पाया जाता है ये लेयर सेकेंड वन डक्ट्स में पाया जाते हैं जो ग्लैंडस होते हैं हमारे हिंड गट मिड गट इम्बगट जो भी गट्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं और ट्यूब्स के अंदर पाया जैसे कि मैंने बताया ना स्पेशियस कैविटी मतलब स्पेस हो गया तो ट्यूब्यूल लाइक -like जो भी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर वहां पे सिंपल सिंगल लेयर पाया जाता है अब सेकेंड जो हमारा है वो है हमारा कंपाउंड कंपाउंड <coughs> का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा कंपैरिजन टू सिंबल सिंपल जो हमारा एनिमल टिश्यू है उससे ठीक है तो कंपाउंड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पाया जाता है जो मॉइस्ट कैविटी होती है बॉडी के अंदर मॉइस्ट मॉइस्ट uh, मतलब आपको होगा मॉइस्चर जहाँ पाया जाता है ठीक है वहाँ पे कंपाउंड टिश्यू पाया जाता है एंड फेरिंग्स एंड इनर डक्ट्स कंपैरिजन कर लीजिए डक्ट्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है फर्स्ट वाले में एंड सेकेंड वाले में किया है इनर डक्ट्स मतलब कि जो भी इंटरनली डक्ट्स पाए जाएंगे ग्लैंड्स पाए जाएंगे वहाँ पे कंपाउंड टिश्यू पाया जाता है अब कंपाउंड टिश्यू के भी दो टाइप्स हैं फर्स्ट है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड सेकेंड है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो देयर आर आर ग्लैंड ऑलमोस्ट है इंटरनली है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हम समझ रहे हैं कि आउटर होगा एंडो मतलब इनर ठीक है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे म्यूकस सलाइवा ऑयल्स मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक है और ये सारे कहाँ से फ्लो होंगे डक्ट्स के जरिए फ्लो होंगे कहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर तो जितने भी म्यूकस होते हैं म्यूकस क्या होता है लसलसा हिंदी में कहते हैं लस मतलब लसलसा पदार्थ एक तरह से कह सकते हैं जो खाना हम खाते हैं ना उसमें जो लसलसापन लाता है क्योंकि वो जब सॉफ़्ट होगा तभी तो जाएगा ना बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा अच्छे से तो म्यूकस पाया जाता है एक्जोकलाइन ग्लैंड में सलाइवा हमारे जो टंग पे होता है ऑयल्स मिल्क ऑयल फैटी होता है जो भी ठीक है डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम इन्स जो हमारे टंग में पाया जाता है डाइजेशन के लिए और ये सारे डक्ट से होके जाते हैं जो भी हमारा डक पर्टिकुलर डक्ट है उसी से ये फ्लो होता है उसी से ये सिक्रेट होता है अब हमारा नेक्स्ट आ गया एंडोक्राइन ग्लैंडस एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है जितने भी <coughs> इंटरनली जो ग्लैंड पाए जाते हैं डग्स के अंदर वो होता है तो ये ये क्या करता है ये हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करता है इन द फ्लूड बाथिंग ग्लैंड्स मतलब जो भी फ्लूड ग्लैंड्स होते हैं ये तो हमारा फ्लूड ग्लैंड होता ही है ये तो अलग पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है जितने भी फ्लूड बाथिंग ग्लैंड है ना जो कि फ्लूड uh, का मतलब होता है कि फ्लूड के अंदर जो भी ग्लैंड पाए जाते हैं ठीक फ्लूड से मतलब क्या समझ इस तरह का पानी हो गया पानी के अंदर इर्द गिर्द जो ग्लैंड पाए जाते हैं वहाँ पे एंडोक्राइन हार्मोन्स मतलब सिक्रीट करता है सारे हार्मोन्स का और बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं लाइक ब्रेन में अलग हॉर्मोन्स होता है हमारा जो आ, जो भी इंसुलिन वगैरह होता है ये सब हॉर्मोन्स ही होते हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है ये सारा कंप्लीट हो गया है तो एक चीज़ हम और यहाँ पे पढ़ेंगे कि एनिमल टिश्यू के अंदर जो मैंने पढ़ाया आपको कंपाउंड पढ़ाया सिंपल पढ़ाया एक और है इसमें कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा ब्रॉड है उसमें सारे ग्लैंड्स आएंगे जो हमारा फंक्शंस होगा टिश्यू का उसके बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो एक बार मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर बाय क्लियर समझ में आ जाए तो हम यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट किया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेन्स इन एनिमल्स एनिमल्स का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका मेजर है वो है टिश्यू हमारा ठीक है रूट कॉज कहते हैं रूट वो टिश्यू है हमारा टिश्यू के अंदर कौन कौन से पार्ट है सिंपल एपिथिलियम कंपाउंड एरियोलन न्यूरोग्लिया एडिपोल्स मालपीगियन यूरिकोटेलिक टाइट जंक्शन एडेरिंग जंक्शन गैप जंक्शन ठीक है ये सारे नाम आपको रटने हैं याद करने हैं आपको जैसे समझना है आप समझ सकते हैं इसके अंदर जो फंक्शन है वो सारा मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ कैसे वर्क करेगा नेक्स्ट हमारा आ गया एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इसमें चार पार्ट हैं एपिथीलियल टिश्यू कनेक्टिव मस्कुलर एंड न्यूरल ठीक है न्यूरल तो आपको समझ में आ रहा है मस्कुलर भी समझ में आ रहा होगा और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड पाए जाते हैं सिंपल कंपाउंड एंड कनेक्टिव ठीक है तो उसके अंदर जो फंक्शन है सिंपल का क्या है सिंगल लेयर है कंपाउंड का क्या है दो टाइप्स के ग्रैंड पाए है जाते हैं अब जो हमारा बच गया है, वो है कनेक्टिव टिश्यू किसमें? इसी चैप्टर में वो हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे बिकॉज वो थोड़ा ब्रॉड है तो हम इसमें सारी चीज़ें नहीं बता सकते आपको क्लियरली समझ, तो समझ में आए इसलिए मैंने अभी यहाँ पर सारा चीज़ इंडिविजुअली कंप्लीट किया तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी तो वीडियोज़ को देखना ना भूलिएगा सारी चीज़ें एक बार आप रिवाइज करते रहिएगा नोट्स बनाते रहिएगा बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट लाइक एंड शेयर द वीडियो